टिकट वगैरह दे रहे हैं, टिकट लेके मनोड़ा के अंदर इंटर होने देते हैं। ये ले लिया टिकट, आ रहे हैं कि बाइकर हूँ मैं, मोटरसाइकिल पे मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ है, गुजरात पास तक, चाइना बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर तक गए हुए हैं। मैंने तो ये सोच रहा था, इनसे पूछ रहा था कि भाई आप तो बड़ा सामान लेके जाते होंगे साथ इतनी दूर, ये बता रहे हैं क्या क्या सामान होता है हमारे पास? कैंप होता है, कैंप आगे फोल्डेबल कैंप होता है, फोल्डिंग किया और कैरी कर लिया, उसके बाद मसाले वगैरह बना के लेके जाते हैं साथ में, सारा इंतजाम हमारे पास होता है। होता है वहाँ से सिर्फ चिकन लिया या मीट जो भी लिया, जो खाना है वो लिया, बताया फौरी तौर पर कुक किया और रुकिया उधर से लिया। चंद मिनट का पैदल सफर है मनोड़ा बीच तक। हमारे आगे और भी कुछ लोग जा रहे हैं, अब इस तरफ है, सामने चल के साहिल समंदर है, इस साइड पे भी है, लेकिन इसका रास्ता फिर उधर सामने से है। आइए सामने चलते हैं। पहले होते थे लेकिन शायद आगे हो और पीछे चंद दुकानें हैं, पहले काफ़ी होते थे। ये आ गया समंदर का व्यू, इधर फैमिलियां, दोस्त, ट्रिप वगैरह, ग्रुपों की शक्ल में लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। ये साहिल समंदर है, ताज़ा और फ्रेश हवा, समंदर की लहरें एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ये साहिल समंदर, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, ये ताज़ा फ्रेश हवा चल रही है समंदर की, इधर ये खाना शाना खा लिया इधर से, अब बीच की तरफ चलते हैं, बीच है, बीच में अब चलते हैं, दाखिल होते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाना तो नहीं है हमने, बस ये देखना है। टिकट हमने खाना खाने से पहले ही ले लिया था और अब इंटर हो जाते हैं बीच। टिकट जमा कराएंगे इसको, इंटर बीच के एरिया में दाखिल हो चुका हूँ। ये मेरे सामने समंदर की बीच है और ये तरफ में झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, जाल किनारा किनारा मसरूफ, सीधा जाना है, रात में लोग मसरूफ हैं। ये शाम का वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरती का मंजर पेश करता है समंदर की बीच, तो लोग निकलते ही शाम के वक्त है घूमने फिरने के लिए, सूरज अब गुरु होने वाला है, अब शाम को अब आपका रश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर वीकेंड को रश ज़्यादा होता है, हफ्ते और इतवार को, या कोई वैसे कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो नॉर्मली इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छी खासी आवाम होती है शाम के वक्त। नीचे चलते हैं समंदर की तरफ, नीचे सारी समंदरी रेत ही रेत है, इतने इतने पांव रेत में घुस जाते हैं। जैसे ही हुआ है शुरू, तो अब आपका रश बढ़ना शुरू हो गया है, वही बस आपको आना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ती जा रही है। साहिल समंदर पर ऊँट और घोड़ों पर सवारी करके लोग इंजॉय करते हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ताज़ा हवा, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और समंदर की ये लहरें काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं शाम के वक्त खास तौर पे, और सुबह सुबह के वक्त, दोपहर में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता,
जितना शाम को और सुबह सुबह को मज़ा आता है समंदर के किनारे पे। कैमरे के सामने सूरज पड़ता है इस वजह से डार्क नज़र आ रहा है ये, लेकिन इतना डार्क होता नहीं है ये समंदरी पानी। सेल्फियाँ, वीडियो, तस्वीरें, यही सिलसिला जारी है इधर। सामने पीले रंग की ये समंदरी रेत है, यहाँ जूते उतार के ही चलना पड़ता है, जूतों समेत चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पानी आया है, अब ये वापस गया है तो पाँव ये कितने गहरे हो गए। हालांकि पहले नॉर्मल थे, ये पानी से ये बिल्कुल रेत है, ये निकल जाती है पाँव के नीचे से। जैसे ही समंदर का पानी आता है आगे जब वापस जाती है ये लहरें हैं तो ज़मीन पाँव के नीचे से मिट्टी निकल जाती है, पाँव गहरा हो जाता है। शाम के वक्त डूबते हुए सूरज का मंजर क्या ही खूबसूरत है। ये जी हो गया मनोड़ा का विजिट, अब मगरिब का वक्त होने वाला है, 10-15 मिनट बाकी हैं, तो वापस चलते हैं यहाँ से फैजाबाद की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन पर वक्त आ सके। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं गाड़ी चला के झूले लेके, इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट करने की उम्र सिर्फ ही बचपन में ही होती है, जब भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ खाना पीना इंजॉय करना यही होता है बचपन में, गुजरा हुआ वक्त लेकिन वापस नहीं आता। ये वापस चलते हैं, एग्जिट होते हैं, ये मेन गेट है बीच का। लोग वापस जा रहे हैं, कुछ ये गाड़ी अभी आई आ रहे हैं। ये समंदरी पत्थरों से बनी हुई है ज्वेलरीज वगैरह, कश्तियाँ और जो भी खेलों का सामान वगैरह बच्चों के लिए। साहिल समंदर के आसपास इस तरह की दुकानें मौजूद हैं।
समुद्री पत्थरों से बनी हुई ये ज्वेलरीज और सामान वगैरह काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये कंगन है, नाइट व्यू है। कश्तियाँ और जहाज मनोड़ा बीच से वापसी के लिए कश्ती में सवार हो गए हैं। कश्ती वापस सीमाड़ी कश्ती स्टैंड पर पहुंच गई है। वापस आते आते काफ़ी देर हो गई है, ईशा का वक्त हो गया है। अब वापस चलते हैं कायदाबाद की तरफ। ये मछलियाँ जी मनोड़ा के बाहर, इधर एक समंदरी सौगात लगा लो इस तरह। कायदाबाद के लिए बस में सवार हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।